हम तो यही बोलेंगे सर, अब आर पार की लड़ाई होनी चाहिए। बहुत देख लिया हमने यहाँ पे, मतलब हमारे फौजियों को मारे गए, मतलब उनसे पूछो जिनके आदमी मारे गए उनके घर में क्या हालत हो रही इस टाइम। मतलब अब हम तो हमारा सब्र का बांध टूट गया। तो हम यही कहते हैं आप लोगों से, पूरे देशवासियों इस टाइम बहुत गुस्से में हैं कि इस टाइम आर पार की जंग होनी चाहिए। ऐसा है कि सर, जो भी आज हुआ है ये बहुत गलत हुआ है और इसका बदला इंडिया को बहुत सतर्कता से और सोच समझ के रहना चाहिए और इनका ऐसा करना चाहिए कि ये ज़िंदगी में कभी वापस उठ नहीं सके। जिस तरह से उन्होंने किया है, इस तरह से इंडिया को उनके संग करना चाहिए। तुरंत अटैक करें उनको, उसी तरह की भाषा समझानी है। जब शुद्ध भाषा से, बातों से काम नहीं आएगा, काम करने से, गोलियां चलाने से ही इनका काम होगा। जैसे भारत ने पहले सर्जिकल स्ट्राइक करा था, मेरे हिसाब से तो वही करना चाहिए दूसरी बार भी। बातचीत का दौर तो अब कोई मौका है ही नहीं, मेरे हिसाब से तो बात होनी नहीं चाहिए। अब तो सीधा बदला ही होना चाहिए, वही पीठ का जवाब पत्थर से होना चाहिए। साहब, सबसे पहले तो सभी सैनिकों के परिवार को सांत्वना, क्योंकि ये बहुत अशोभनीय है जो किया गया है। होना क्या चाहिए, ये ऐसी चीज़ें होनी नहीं चाहिए, लेकिन अगर ऐसा हुआ है तो इसके लिए हमको चुप नहीं बैठना चाहिए। आज सुनिए, बात तो सब दिन से होते हैं, मगर बात होते हैं कुछ फायदा नहीं होता। उनका जमाने, हम लोग का जमाने पर ज़बरदस्ती आते हैं, मारते हैं, चला जाते हैं। कौन कौन आग तक मार दी है उनको, तो अटक सीधा करना चाहिए उनको, सीधा तो स्पॉट मर्डर करना चाहिए। बहुत गुस्सा है पाकिस्तान के लिए। प्रधानमंत्री मोदी से कहना चाहता हूँ कि पाकिस्तान को मुंह तोड़ जवाब दे, कुछ कड़े स्टेप्स उठाना चाहिए जिससे कि आतंकवाद का निश्चित और स्थायी समाधान हो सके। तरीके से उसने हम लोग का जवानों को एथी किया है, उस तरह से कड़ी जवाब देना चाहिए ताकि वो शौक सीखे कि आगे वाले ऐसे कारनामों में हम नहीं करेंगे। पाकिस्तान को ऐसी कार्रवाई की जाए कि दोबारा आतंकवादी ऐसे मतलब तरीश के नाम से मतलब डर जाए कि हाँ मतलब भारत ऐसी एक कंट्री है। हर किसी के हिस्से में ये मुकाम नहीं आता है जिनका लहू देश के काम आता है। उन 44 शूरवीरों को मेरा दिल से सलाम। हमारी वीडियोस को देखने के बाद लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।